सम्मानित सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल HRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सचिव महोदय का लेटेस्ट अपडेट्स आया हुआ है। एक आदेश जारी किया गया है जो प्रमोशन को लेकर के है। पदोन्नति रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही के संबंध में आदेश जारी किया गया है। और देखिए, यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया कब तक संपन्न होगी और शिक्षकों के कब तक होंगे प्रमोशन, तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आया हुआ है जो उत्तर प्रदेश शासन से जारी हुआ है यह आदेश। और देखिए, यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की अपडेट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं साथियों आदेश। साथियों, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का आदेश जारी हुआ है। सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यह 20 अप्रैल 2022 का लेटेस्ट अपडेट्स है। पदोन्नत द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितंबर 2022 तक संपन्न कराया जाना। महोदय, अवगत कराना है कि 1 जुलाई 2022 से चयन वर्ष 2022-23 प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी सेवाओं में पदोन्नत द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पूरे चयन वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक की बैठकें आयोजित की जानी हैं। इससे पदोन्नति के पदों के भरने में अनावश्यक विलंब होने से जहां शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी ओर संबंधित कार्मिकों को समय से पदोन्नतियां प्राप्त न होने के कारण उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चयन वर्ष 2022-23 यानी 1 जुलाई से 30 जून तक की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाए। विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु कार्मिक अनुभाग एक के शासनादेश संख्या दिनांक 27 सितंबर 2019 सप्ते शासनादेश संख्या में विहित प्रक्रिया प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलंबतम 31 जुलाई 2022 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में विलंब से प्रस्ताव प्रेषित किए जाएंगे। यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है तो इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट शासनादेश.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है। जाने पर संबंधित विभाग की यथास्थिति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को विलंब के कारणों को स्पष्ट करना होगा। ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्रवाई की जाती है, उन्हें दिनांक 30 सितंबर 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। ऐसे पदों जिन पर विभागाध्यक्ष अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्रवाई की जाती है, उन्हें भी अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। समयांतर्गत अनुपालन सुनिश्चित न होने की दशा में संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उनके नियंत्रक अधिकारी के स्तर से कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट था जो प्रमोशन को लेकर के था। 30 सितंबर तक हर हाल में प्रमोशन की प्रक्रिया को संपादित करने हेतु निर्देश जारी हुए हैं।